अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री 9 लेक्चर नंबर 17। स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो भी लॉन्ग क्वेश्चन है और वो है जी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर नोट लिखें। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स और कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं तरतीब को या डिस्ट्रीब्यूशन को, तकसीम को या किसी चीज़ को तरतीब लगाना, मुनज़्ज़म करना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से मुराद ये है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के गिर्द किस तरीके से मौजूद होते हैं, उनकी तरतीब क्या होती है। क्योंकि न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एक बड़े मुनज़्ज़म तरीके से रिवॉल्व कर रहे होते हैं, बाकायदा शेल्स होते हैं। शेल से मुराद रस्ते, दायरे। उन दायरों में या उन रस्तों में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बड़े मुनज़्ज़म तरीके से जो है वो रिवॉल्व करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमने ये चीज़ सीखनी है कि न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से मुख्तलिफ दायरों में, सर्कल्स में, ऑर्बिट्स में या शेल्स में रिवॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो न्यूक्लियस के गिर्द शेल्स होते हैं, ख़ास रस्ते जो होते हैं या ख़ास दायरे जो होते हैं, उनका नाम क्या है। तो फर्ज करें ये एक एटम है, ये उसका न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस के गिर्द जो पहला दायरा होगा या जो पहला रस्ता होगा या जो पहला शेल होगा, उस शेल का नाम हम के रखते हैं, कैपिटल के। उससे अगला जो शेल होगा उसे हम कैपिटल एल से शो करते हैं। उससे अगला जो शेल होता है उसे हम कैपिटल एम से शो करते हैं। उससे अगला जो होता है उसे हम कैपिटल एन से शो करते हैं। और इस तरीके से हम लोग के एल एम एन ओ इस तरीके से हम लोग शो करते जाते हैं। दूसरी बात ये कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो सिर्फ शेल्स के अंदर रिवॉल्व नहीं कर रहे होते, बल्कि शेल्स के अंदर मजीद आगे रस्ते होते हैं, मजीद आगे सब शेल्स होते हैं, उन्हें हम सब शेल्स का नाम देते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर रिवॉल्व कर रहे होते हैं? शेल के अंदर रिवॉल्व कर रहे होते हैं और शेल के अंदर मौजूद सब शेल्स के अंदर रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम ये कहते हैं कि एक पैसेंजर जो है वो किसी रोड पर सफ़र कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो रोड पर सफ़र कर रहा है, बल्कि हम यूँ कहेंगे कि रोड होता है, रोड के ऊपर गाड़ी होती है, गाड़ी के अंदर पैसेंजर होता है। तो पैसेंजर की मिसाल आप इलेक्ट्रॉन की ले लें, कार या गाड़ी को आप सब शेल समझ लें और रोड को आप शेल समझ लें। शेल के अंदर सब शेल होते हैं, सब शेल के अंदर फिर इलेक्ट्रॉन जो हैं वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो शेल के नाम मैंने आपको बता दिए हैं, के एल एम है। और इनके अंदर जो सब शेल होते हैं, जैसे रोड के ऊपर गाड़ी होती है, वैसे शेल के अंदर जो सब शेल होते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, उन सब शेल को हम लोग स्मॉल एस या लोअर केस एस, स्मॉल पी, स्मॉल डी और स्मॉल एफ से शो करते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक बात क्लियर हो जानी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन्स एटम के गिर्द कैसे रिवॉल्व कर रहे हैं। शेल्स होते हैं, शेल्स के अंदर सब शेल्स होते हैं। अब रहा ये सवाल कि हर शेल के अंदर कितने सब शेल होते हैं और हर सब शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उसको जो है हम लोग देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमेशा ये रूल याद रखें कि जो शेल का नंबर होगा उतने ही उसके अंदर सब शेल होंगे। यानी मिसाल के तौर पे न्यूक्लियस के फौरन बाद जो शेल होता है उसे हम के शेल कहते हैं, उसका नंबर 1 होता है, यानी ये पहला शेल है। अब इस शेल का नंबर 1 है, इसलिए इसके अंदर सब शेल भी एक ही होगा, और वो कौन सा होगा? वो पहले वाला होगा, एस सब शेल। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि के शेल जो है वो चूंकि पहला शेल है, यानी नंबर उसका 1 है, इसलिए उसके अंदर सब शेल जो है वो कौन सा होगा? एक ही होगा। इसी तरह दूसरा जो शेल है एल, उसका नंबर 2 है, इसलिए उसके अंदर 2 सब शेल होंगे, एस और पी। इसी तरह तीसरा जो शेल है एम, उसका नंबर 3 है, उसके अंदर 3 सब शेल होंगे, एस पी और डी। इसी तरह एन के बारे में हम ये कहेंगे कि उसके अंदर उसका नंबर 4 है, तो उसके अंदर 4 सब शेल होंगे, एस पी डी और एफ। अब यहाँ तक अगर बात समझ आ गई है तो उससे अगली बात जो आपने याद रखनी है वो ये कि ये जो सब शेल्स होते हैं इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को कैरी करने की कैपेसिटी मुख्तलिफ होती है।
यानी ये जो s सबशेल होगा उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा दो इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं आएंगे। इसी तरह जो p सबशेल होगा उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा 6 इलेक्ट्रॉन जो है वो आ सकते हैं। इसी तरह d सबशेल के अंदर ज्यादा से ज्यादा 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और f सबशेल में ज्यादा से ज्यादा 14 इलेक्ट्रॉन जो है वो आ सकते हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे मुख्तलिफ कार या गाड़ियां जो होती हैं, एक गाड़ी छोटी होती है उसके अंदर कम पैसेंजर आते हैं, बड़ी बस के अंदर ज्यादा पैसेंजर आ जाते हैं, उससे बड़ी जो होगी उसके अंदर ज्यादा पैसेंजर आते हैं। बिल्कुल ऐसे ही हर सबशेल की कैपेसिटी जो है वो मुख्तलिफ होती है। अब आ जाइए यहाँ पर वापस कि के शेल था, पहला शेल है उसके अंदर एक सबशेल है और एस सबशेल में आप जानते हैं कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दो आ सकते हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो पहला शेल है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा आ सकते हैं, दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। और वो दो इलेक्ट्रॉन किस सबशेल में होंगे, एस सबशेल में होंगे। यानी आपको दो बातें पता चल गई कि जो पहला शेल है उसके अंदर एक ही सबशेल है और वो सबशेल एस है और उस सबशेल में ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, टू इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि पहले शेल में दो इलेक्ट्रॉन आते हैं, इससे ज्यादा नहीं आते। अब आ जाइए एल के ऊपर। तो अब जो एल शेल है इसमें चूंकि दो सबशेल होते हैं एस और पी, एस में ज्यादा से ज्यादा दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, पी में 6 आ सकते हैं, यहाँ पर मैंने मेंशन किया है। अब 6 पी में आ गए और 2 जो है वो एस में आ गए, 6 + 2 = 8, सो 8 इलेक्ट्रॉन्स टोटल जो है वो मौजूद होते हैं एल शेल के अंदर। इसी तरह एम की बात कर लें तो एम में चूंकि 3 सबशेल होते हैं, एस सबशेल में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल किया तो कितने आगे, 18 आगे। इसलिए हम कहते हैं कि पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दूसरे शेल में 8 आ सकते हैं, तीसरे शेल में 18 आ सकते हैं, और इसी तरह आप आगे कैलकुलेट करते जाएं। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक अगर आप लोगों को बात समझ आ रही है तो अब नेक्स्ट स्टेप जो आपने देखना है वो ये है कि कौन सा शेल जो है वो पहले फिल होगा और कौन सा शेल जो है वो बाद में फिल होगा। तो स्टूडेंट्स जाहिर सी बात है कि सबसे पहले जब इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो वो के शेल में आएंगे, उसके बाद एल शेल में आएंगे, उसके बाद एम शेल में आएंगे, उसके बाद बाहर वाले शेल में जो है वो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। लेकिन एक चीज जो चेंज है वो ये कि ऐसा नहीं होता कि सबसे पहले ए शेल के सारे सबशेल पूरे हो जाएं, फिर एल शेल के सारे सबशेल पूरे हो जाएं, फिर एम शेल के सारे सबशेल जो है वो पूरे हो जाएं, बल्कि थोड़ी सी वेरिएशन जो है वो आती है। वो किस तरीके से वेरिएशन आती है कि आप लोग शेल्स के सबशेल्स को जो है वो तरतीब से लिखते जाएं। जैसे के शेल का सबशेल मैंने यहाँ पर लिख दिया है एस, इसके साथ मैंने 1 इसलिए लगाया क्योंकि ये पहला शेल है इसलिए उसका नंबर 1 है। दूसरा जो शेल है उसके मैंने 2 सबशेल लिख दिए हैं 2s और 2b, साथ 2 इसलिए लगाया है क्योंकि ये जो सबशेल हैं ये दूसरे शेल के हैं। इसी तरह जो तीसरा शेल है उसके 3 सबशेल हैं, तीनों के साथ जो नंबर है वो 3 मैंने लगा दिया है, 3s, 3p और 3d। इसी तरह जो फोर्थ शेल है n, उसके 4 सबशेल हैं, 4s, 4b, 4d और 4f। अब इलेक्ट्रॉन्स तरतीब से किस तरीके से सबशेल्स में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं तो ये एक पैटर्न जो है केमिस्ट ने हमें बता दिया है कि आप इस तरीके से लाइन लगाकर देखेंगे, इस लाइन के मुताबिक सबशेल जो है वो फिल होते जाएंगे। जैसे सबसे पहले 1s सबशेल फिल होगा, उसके बाद 2s होगा, उसके बाद 2p होगा और 2p के साथ आप देख सकते हैं कि 3s होगा और फिर उसके बाद जो है वो 3p होगा, फिर 4s होगा, उसके बाद 3d हो जाएगा और बिल्कुल इसके साथ जो है 4p हो जाएगा और इस तरीके से आगे सीक्वेंस जो है चलता जाएगा। तो हमारे पास एक अरेंजमेंट आ जाएगी, एक तरतीब आ जाएगी। इस पूरे टॉपिक में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यही एक ही बात है कि आपने ये जो पूरी तरतीब या ये जो पूरा सीक्वेंस है सब शेल्स का ये आपने याद करना है, इसको आपने रट्टा लगा लेना अच्छे तरीके से, ये भूलना नहीं चाहिए। पूरे टॉपिक का खुलासा या कंक्लूजन या पूरे टॉपिक का जो इसका निचोड़ है रिजल्ट है वो यही है कि आपने ये पैटर्न याद करना है, ये सीक्वेंस याद करना है। वो क्या है जी, 1s2
2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3p10 आगे भी चलेगा, लेकिन मैट्रिक में आपके सिलेबस में यहाँ तक कम से कम आपको याद होना चाहिए। यहाँ पर याद रहे कि 1 से मुराद पहला शेल है और s से मुराद सब शेल है और उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है। 2 से मुराद दूसरा शेल है, s से मुराद दूसरे शेल का सब शेल है, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर भी 2 से मुराद दूसरा शेल है, यहाँ पर 3 से मुराद तीसरा शेल है, यहाँ पर भी 3 से मुराद तीसरा शेल है, यहाँ पर 4 से मुराद फोर्थ शेल है और यहाँ पर 3 से मुराद थर्ड शेल है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 3s के बाद 3b और 3b के बाद 3d को आना चाहिए था, लेकिन पहले 4s आ रहा है उसके बाद 3d आ रहा है। तो ये असल में वेरिएशन है जो थोड़ा सा डिटेल्ड टॉपिक है जो कि FSC के सिलेबस में है, यहाँ पर डिटेल उसकी नहीं है। सिर्फ आपने ये सीक्वेंस जो है वो याद करना है। आपको क्वेश्चन जो है वो एक तो लोग क्वेश्चन में आएगा पूरा के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो क्या होती है, उसमें पूरा लोग क्वेश्चन आपने प्रिपेयर करना है विद एग्जांपल्स और साथ में पूरा पैटर्न आपने बताना है। और शॉर्ट क्वेश्चन में जो टॉपिक आएगा वो ये आएगा कि राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम या राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन, यानी मुख्तलिफ एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो आएगी। उसमें आपने इस सीक्वेंस को यूज़ करते हुए जो है उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो लिखनी है। तो स्टूडेंट्स लास्ट में मैं आप लोगों को एक डेफिनेशन पढ़ देता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स की तकसीम इन शेल्स एंड सब शेल्स, शेल्स और सब शेल में इलेक्ट्रॉन की तकसीम जो है वो क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाती है। थैंक यू।